baby, but you'll never answer, 'cause I'm busy with the others. Ooh, ooh. I vote those, those are when you really love me, but those never really. Hi everyone, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। दिल से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर फर्स्ट टाइम मेरे YouTube वीडियो को देख रहे हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दें। बाजू में एक बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरा एक और YouTube चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, मैं Instagram पे भी जनरल टॉक्स विद छवि के नाम से हूँ, और मेरा एक और चैनल है छवि अश्विनी कुमार। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एकदम चेक करें, एकदम से मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इस DIY क्रीम के बारे में कि ये क्या क्या करने वाला है। ये एक ऐसा क्रीम है जो आपके रंगत को दोगुना करने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपके चेहरे पे गुलाबी निखार आए तो गुलाबी निखार लाने वाला है। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पे अनइवन स्किन टोन की परेशानी है उसको दूर करने वाला है। उससे भी बड़ी बात, आपकी रंगत में गजब का निखार लाने वाला है, यानी कि 2x फेयरनेस बोलते हैं ना, दो गुनी रंगत। तो दो गुनी रंगत जो है ये क्रीम लाने वाला है, सुपर से भी ऊपर वाला क्रीम है। तो आगे चल के देखिए इसको बनाते कैसे, इसको लगाते कैसे, लगाने के बाद इसका रिजल्ट कैसा आता है। सबसे पहले जाते जाते एक बात जरूर कहूंगी कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो, चाहे कोई भी स्किन टाइप हो, सबके लिए है। तो इस DIY को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सॉस पैन लेना है, साफ़ सुथरा कोई भी एक बर्तन लेना है। डबल बॉयलर के हेल्प से आपको इस क्रीम को बनाना है। उसके बाद जो आपको इंग्रेडिएंट लेना है उस वो आपको चुकंदर यानी बीट रूट जो है उसको लेना है, एक पूरा बीट रूट लेना है। उसको पीलर के हेल्प से ऊपर का छिलका आपको हटा लेना है, या तो ग्रेटर में या फिर ग्राइंडर में, कैसे भी आपको ग्राइंड करके उसका जूस आपको निकाल लेना है। और उसके बाद जो है आपको डबल बॉयलर मेथड पे, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको लो फ्लेम में, आप लो फ्लेम और मीडियम फ्लेम में कर सकते हो, हाई फ्लेम ना करें तो बेटर है। उसके बाद इसको आपको कंटिन्यू जो है आपको गर्म करना है। जब ये आपका जो जितना क्वांटिटी में आपका निकला है ना, वो अगर हाफ बच जाए ना, आधा, मैं तो आधा से भी कम जब भी इस क्रीम को बनाती हूँ, तो मैं मतलब अगर मान लो अगर 4 चम्मच मेरा वो लिक्विड बना है, बीटरूट का जूस निकला है मुझे, तो मैं उसे ना 1 स्पून बना लेती हूँ, उसके बाद ही मैं गैस को ऑफ़ करती हूँ। तो वो आपके ऊपर है, आप 4 स्पून को 2 स्पून भी बना करके गैस को ऑफ़ कर सकते हो, या फिर मेरे जैसा हाफ स्पून भी आप बना सकते हो। तो हाफ स्पून मैं बीटरूट का जो वो डबल बॉयलर में की हूँ उसको मैं ली हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, जब ये ठंडा हो जाएगा ना, जब ये आपका प्रोसेस जब ठंडा हो जाता है, उसके बाद आपको दूसरा प्रोसेस शुरू करना है, यानी कि गर्म गर्म में बाकी सारे इंग्रेडिएंट आपको ऐड नहीं करने हैं, नहीं तो साइड इफ़ेक्ट उसका आ जाएगा। तो इसलिए जब वो बीटरूट एकदम से ठंडा हो जाता है उसके बाद आपको उसको यूज़ करना है। और ये देखिए, मतलब ये आपकी रंगत को इतना निखारने वाला है ना। चुकंदर क्या करता है, हमारी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। एक ऐसा DIY क्रीम मैं बना रही हूँ जो आपके डार्क स्पॉट और डलनेस के ऊपर काम करने वाला है, साथ ही साथ आपकी रंगत को भी निखारने वाला है। तो जैसा आप सबने देखा है कि हाफ स्पून के करीब में जो है मेरा जो है बीटरूट का जो वो जूस है वो है, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 स्पून एलोवेरा जेल। अच्छा, मैं जब भी इस DIY क्रीम को बनाती हूँ तब मैं एकदम से क्रीम फॉर्म में नहीं बनाती हूँ, हल्का लिक्विड ही रहता है तभी मैं इसको बंद करती हूँ। लेकिन अगर आप इसको 1 स्पून अगर आप डालते हो एलोवेरा जेल, और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी भी लिक्विड है, यानी अभी भी बहुत ज़्यादा पतला है, तो आप चाहें तो 2 स्पून भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी कि 2 स्पून भी आप एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं 1 स्पून ही एलोवेरा जेल ऐड की हूँ, वो आप टोटली आपके ऊपर है। उसके बाद जो इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ वो है ग्लिसरीन, और जो ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ वो मैं की हूँ 1/2 स्पून। अगर आपको ग्लिसरीन सूट नहीं करता है तो आप ग्लिसरीन को स्किप कर सकते हो, और उसके जगह पे आप, या फिर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ग्लिसरीन के जगह पे आप आलमंड ऑयल ले सकते हो। अगर आलमंड ऑयल लेते हो तो आपको 3 ड्रॉप आलमंड ऑयल लेना है, फिर सबको एकदम अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद एक कंटेनर में, प्लास्टिक का हो या फिर कोई भी कांच का कंटेनर है, उसके अंदर आपको स्टोर करके रखना है।
ये एक ऐसा DIY क्रीम है जो अनइवन स्किन टोन हो, डार्क स्पॉट हो, डलनेस हो, इन सब के ऊपर काम करने वाला है। साथ ही साथ आपकी रंगत को बहुत ज़्यादा निखारने वाला है। एक ऐसा क्रीम जिसको अगर आप नाइट टाइम में लगाते हो और जब आप सुबह उठते हो तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग जब अपने आप फेस को वॉश करते हैं तो आपको लगेगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, ग्लोइंग हो गई है और ब्राइट हो गई है। 7 डेज़ में ही आपकी स्किन के ऊपर आपको विजुअल रिजल्ट दिखने वाला है। तो ये बन के क्रीम रेडी हो चुका है। तो ये क्रीम बन चुका है और कैसे बना है वो सब आपने देख लिया। तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जो डाले हुए हैं वही कमाल के हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर तो कमाल करने ही वाले हैं। तो इसको लगाना जो है बहुत इजी है। इसको आप डे टाइम में ना लगाएं तो बेटर है, इसको आप नाइट टाइम में लगाते हो तो बेस्ट है। डे टाइम में एज अ ब्लश आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बीट रूट है तो आपके फेस के ऊपर है ना, जैसे कोई भी मान लो अगर आप ये आप मेकअप किए हो, मैं मेरे फेस पे तो कुछ भी लगा हुआ नहीं है फॉर एग्जांपल कि आपने मेकअप कर रखा है, लेकिन आप चाहते हो कि आपके चिक्स थोड़े पिंकी पिंकी हो जाए तो क्या करोगे, थोड़ा सा लोगे और यहाँ पर हल्का सा ऐसे 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 लगा लो, हल्का सा जैसे ब्लश लगाते हैं ना ऐसे ही लगाओगे। और ये ऐसा ब्लश है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो मार्केट वाला जो ब्लश लगाते हो कहीं ना कहीं आपकी स्किन को हार्म पहुंचाता है, कहीं ना कहीं क्या भैया, सच्ची में आपकी स्किन को हार्म पहुंचाता है आपकी स्किन, क्योंकि उसके अंदर केमिकल होता है तो आपकी स्किन को ड्राई कर देता है। लेकिन ये एक ऐसा ब्लश है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। और ये देखो आप देख रहे हो एकदम कैसे ब्लश लगाते हैं ना, ऐसे ही आप इसको लगाओगे। मैं आपको बता रही हूँ इसके एक ऐसा DIY क्रीम जिसके रूप कितने हैं। ओके, अब आप इसका एक तो ये ब्लश का काम करेगा, अगर आप दिन के टाइम में अगर आप क्रीम लगा लिए या फिर कुछ लिए, देखो आप कैसा ड्राई होने के बाद कैसा लग रहा है, गजब का। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके आपकी स्किन को देगा, आपसे कुछ लेगा नहीं। ये ब्लश का काम करेगा प्लस आई शैडो का भी काम करेगा। आप आईज के ऊपर भी इसे लगा सकते हो, ठीक है, आप आईज के ऊपर भी लगा सकते हो। साथ ही साथ आप इसको लिपस्टिक के रूप में भी लगा सकते हो, जैसे कि आपके पास कोई लिप बाम नहीं है, आपकी होठनी फटी हुई है, आपके लिप बाम भी आपके पास नहीं है, कोई लिपस्टिक भी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि आपकी स्किन ना मतलब आपके लिप्स जो है ना नेचुरली एकदम पिंक पिंक दिखे, ये है ना, इसको आपको लेना है। अभी तो मेरे लिप्स के ऊपर ऑलरेडी लिपस्टिक लगा है तो मैं कैसे आपको दिखलाऊं, कोई नहीं यहाँ पे लगा के दिखला। और ये आप इसे लगा लो, ये देखो ये आपके ऊपर आपके लिप्स के ऊपर जो मार्केट, ये देखो मेरे चिक्स कैसे लग रहे ना पिंकू पिंकू से। तो मार्केट के जो आप जा करके ले करके आते हो ना लिप बाम और ये सब, उससे कहीं ज्यादा ये इफेक्टिव होने वाले हैं और ये आपके लिप्स को कुछ खराबी नहीं देने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके क्रीम के बारे में, क्योंकि मैं तो DIY क्रीम बनाई हूँ प्लस ब्लश बनाई हूँ, लेकिन साथ ही साथ इतने यूजेस आपको मैं बता रही हूँ। अच्छा, अब आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, एज अ नाइट क्रीम आप इसको यूज करना है, आपको थोड़े से क्वांटिटी में आपको लेना है, मीन्स आपको अपने पहले फेस को वॉश कर लेना है, उसके बाद थोड़ा सा आपको इसे लेना है, ठीक है, पूरे फेस के ऊपर आपको डॉट 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 करना है, ठीक है, और उसके बाद आपको इसे पूरे फेस के ऊपर लगा लेना है, पूरे फेस के ऊपर आप लगा ले फेस के ऊपर, और उसके बाद आप इसे ओवरनाइट छोड़ दे। आपकी जब आप लगाते हो ना तो आपको लगता है आपकी स्किन थोड़ी पिंकी हो गई है, थोड़ी थोड़ी पिंकी पिंकी लगती है, मतलब थोड़ा सा पिंकिश लगता है जब आप ओवरनाइट छोड़ देते हो, सो जाते हो, जब आप मॉर्निंग में उठते हो उसके बाद अपने फेस को जब आप वॉश करते हो। सिर्फ 7 डेज चैलेंज लेकर के आप चले, एक ये DIY क्रीम बनाएं, आप अपने फेस के ऊपर भी यूज करें, एज अ ब्लश भी आप यूज कर सकते हैं। इसके इतने सारे यूजेस मैं बता चुकी हूँ और मेकिंग कॉस्ट बहुत कम है। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हाँ, एक कैसे भूल गई है आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन कि छवि इसको बना करके कितने दिन तक रख सकते हैं। इसको बना करके आप आराम से फ्रिज के अंदर 7 डेज तक रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रखो, क्योंकि विंटर सीजन है तो 7 डेज, समर सीजन है तो 5 डेज में ही ये खराब होने के चांसेस होते हैं। तो 7 डेज तक स्टोर करके रख सकते हो, उसके बाद आप फेंक दे और फिर से बना ले,
कोई ज़्यादा इसको बनाने में खर्च नहीं है और ये बहुत 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 इफेक्टिव है। तो 7 डे चैलेंज लें, अपने फेस के ऊपर लगाएं, मेरे साथ रिजल्ट जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। अच्छा हाँ, जाते जाते एक बात मैं और आप लोगों को बोलूँगी कि अभी मैं किसी के भी कमेंट के रिप्लाई नहीं करने वाली हूँ, जिनके इम्पोर्टेंट कमेंट होंगे उनके रिप्लाई करने वाली हूँ, किसी को हर्ट वगैरह नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने पेरेंट्स के साथ बिजी हूँ अपने घर में और मैं अपना पूरा टाइम अपने माँ पापा के साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, वो मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, आप सभी इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसलिए मैं बोली हूँ कि जो आपके इम्पोर्टेंट कमेंट होंगे उनके ही मैं रिप्लाई दूंगी। आई होप कि मेरी आप परेशानी को समझेंगे। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।